please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. अब देखते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। अब यहाँ पर कुछ कथनें आप देखिए। जब प्रशासन की नींव बारन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने की, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ये एक कथन है, आपको केवल ध्यान रखना है, ये कथन है, एक क्वेश्चन सामान्यतः वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नींव किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू की या किसने समाप्त किया? किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने। और लागू किसने की थी? क्लाइव ने। वह गवर्नर जनरल जिसने ब्रिटिश संसद में क्या वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया, कौन था? वारेन हेस्टिंग। न्यायिक संगठन की स्थापना, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कार्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल क्या वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसिम क्या भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल कोड क्या सिविल कोड का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है। भारतीय जो सिविल सेवा है यानी कि IAS का सृजन सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन ये आएगा, कार्नवालिस ने। कार्नवालिस का कब्र कहाँ है? गाजीपुर में है। क्वेश्चन बहुत बार आया है। 1802 में बसीन की संधि हुई किसके किसके मध्य? अंग्रेज तथा बाजीराव सेकेंड के मध्य। लॉर्ड बेलजली क्या लॉर्ड बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव सेकेंड था। चलिए अगला, सहायक संधि को क्रियान्वित करने वाला क्या सहायक संधि को क्रियान्वित करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेलजली क्या लॉर्ड बेलजली। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय क्या प्रथम भारतीय कह सकते हैं शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम क्या हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया में लॉर्ड वेलजली के साथ सहायक संधि करने का आपको क्या बताना है? क्रम बताना है। सबसे पहले किसका? हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध, उसके बाद सिंधिया। चलिए आगे चलते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक क्या सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था कौन था? अवध का नवाब क्या अवध का नवाब। अवध का नवाब के साथ सबसे पहले हो गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या देखा है? कौन? हैदराबाद का निजाम प्रथम भारतीय देसी शासक था, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों क्वेश्चन आता है, ठीक है। दोनों एक साथ आएगा तो आपको अवध लगाना है क्या दोनों एक साथ आएगा तो आपको अवध लगाएगा लगाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा, यदि प्रश्न में बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज पूछा जाता है तो आपको क्या लगाना है? हैदराबाद लगाना है। और केवल सहायक संधि अगर पूछा जाता है तो आपको अवध लगाना है, ठीक है। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत तथा मैसूर के शासक ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी क्या? सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अब इसमें आपको बताना है किसने स्वीकार नहीं की थी क्या किसने स्वीकार नहीं की थी। तो इंदौर के होलकर राज ने क्या इंदौर के होलकर राज ने स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। चलिए, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया? किसने? लॉर्ड बेलजली ने। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में क्या राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने वाला प्रमुख राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने वाला करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना, जिस तरह बाब अकबर ने किया था क्या जिस तरह अकबर ने किया था कि अंग्रेज राजपूतों को अपनी तरफ मिला लिया, किसके द्वारा? शादियों के द्वारा, विभिन्न संबंधों के द्वारा। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति क्या नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप साम्राज्य धराशाही हो रहे थे, तत्कालीन समय में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था भारत में? ये क्वेश्चन हो सकता है, कौन था? लॉर्ड बेलजली। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के काल में क्या लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए, बक्सर के युद्ध में क्या बक्सर के युद्ध में कौन था उस समय सेनापति?
मुनरो, लॉर्ड हेक्टर मुनरो। आंग्ले नेपाल युद्ध हुआ उस समय कौन से कौन था गवर्नर, ऐसा पूछा जा सकता है, लॉर्ड हेस्टिंग। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर में उस समय गवर्नर कौन था, अंत लॉर्ड वेलजली। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था गवर्नर, लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है, और ये सेनापति थे। चलिए आगे देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित था, तृतीय आंग्ल मराठा जब युद्ध हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे, क्वेश्चन पूछा गया है कब से कब तक गवर्नर रहे, 1820 से 1827 तक। कुशासन के आधार पर, क्या कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक में, क्या लॉर्ड विलियम बेंटिंक। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर था, गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर के समय गवर्नर जनरल था कौन था, लॉर्ड कार्नवालिस। ठगों का दमन करने वाला, क्या ठगों का दमन करने वाला, कैप्टन स्लीमन, क्या कैप्टन स्लीमैन। विलियम बेंटिक के द्वारा सतीप्रथा समाप्त कब किया गया, कब, 1829 में। बंगाल से दासों का निर्यात रोक दिया गया, कब रोका गया, 1789। लॉर्ड डलहौजी द्वारा, क्या लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया, किसके आधार पर, कुशासन के आधार पर। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ, कब हुआ, 1856 में। अब यहाँ पर आप खुद ध्यान, डेट आपको याद करना है, पंजाब का विलय कब हुआ, क्या पंजाब का विलय 1849 में। सतारा का विलय 1848 में, अवध का विलय 1856 में, और करौली का विलय 1855 में। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय नीति को क्या किया, लागू किया भारत में, कौन था, डलहौजी, कौन था, डलहौजी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संभलपुर और सतारा राज्यों ने, सतारा राज्यों का विलय हुआ, अब उसका आपको क्रम बताना है, तो सबसे पहले सतारा, फिर संभलपुर, फिर झांसी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई, उस समय जब अंग्रेजों ने सिंध विजय संपन्न किया उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड एलनबरो, क्या लॉर्ड एलनबरो। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, कब कब्जा किया, 1843 में, क्या 1843 में, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध में अंग्रेजी रेजिमेंट कौन था, क्या अंग्रेजी रेजिमेंट कौन था, जेम्स ऑटम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई, कौन था, लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ, चलिए बॉम्बे और ठाणे के मध्य। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई 1853 में, क्या 1853 में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। भारतीय ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र में अंतिम, क्या ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम विस्तार किसके समय हुआ, किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, डलहौजी, क्या डलहौजी, ठीक है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, क्या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान किसने बनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने, क्या लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने लागू किया, किसने, लॉर्ड कैनिंग ने, क्या लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1885 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़ा था, क्या घोषणा पत्र किसने पढ़ा था 1 नवंबर 1858 में, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1858 में अब गवर्नर जनरल को क्या बोला जाने लगा, वायसराय, क्या वायसराय। चलिए आगे देखते हैं, अपने पुत्र के स्थान पर, क्या अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार फिर से स्थापित किया गया, कब, 1858 में, क्या 1858 में रानी ने घोषणा किया, कैनिंग ने जो पत्र पढ़ा था उसमें ये चर्चा थी। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी बनाया गया, कब, 1858 में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, लॉर्ड एलनबरो, क्या लॉर्ड एलनबरो। अब कुछ गवर्नर जनरल है और उन्होंने जो मुख्य कार्य किए हैं उनको आपको देखना है। कार्नवालिस,
कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया, लॉर्ड बेल्जली ने सहायक संधि लागू किया, डलहौजी ने क्या लागू किया, व्यपगत सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग के समय क्या हुआ, द्वितीय आंग मराठा युद्ध हुआ, विलियम बेंटिक के समय क्या, 1829 का 17वां रेगुलेशन, ठीक है, और सती प्रथा को जो समाप्त किया गया वो है ये। अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किसने किया, लॉर्ड कार्नवालिस ने, क्या लॉर्ड कार्नवालिस ने पेशवाई को समाप्त कर दिया, क्या पेशवा को समाप्त कर दिया, कब समाप्त किया गया, 1878 में। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।